नमस्कार दोस्तों, टी ब्लॉग में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एलॉय के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं डी ब्लॉक में एलॉय। डी ब्लॉक में एलॉय फॉर्मेशन। दोस्तों सबसे पहली बात है कि एलॉय क्या है। ये एलॉय क्या है? एलॉय का मतलब है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स का मिक्सचर है। एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, एग्जाम्पल सबसे पहले दोस्तों गोल्ड का लेते हैं। आमतौर पर हम 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं। 22 कैरेट गोल्ड, जो 22 कैरेट गोल्ड होता है जिससे गोल्ड ज्वेलरी बनती है, इसमें ये होता है दोस्तों मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर। ये दो चीजों का मिक्सचर होता है दोस्तों। ये एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है आईटी में कि 22 कैरेट गोल्ड में कितनी परसेंट गोल्ड होगी और कितने परसेंट कॉपर होगा। दोस्तों और बहुत सारी मेटल्स हैं, जैसे आपके पास ब्रास है तो ब्रास को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। आप ब्रास ले लीजिए, जब आप ब्रास लेते हैं तो ब्रास क्या है? ये होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसका मिक्सचर होता है, जो ब्रास आप यूज करते हो कई बार वो इसका मिक्सचर होता है दोस्तों। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गन मेटल है। जो गन मेटल है, गन मेटल और भी जैसे बेल मेटल। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि मिक्सचर मोर देन टू और मोर। तो यहां पर टू और मोर ये आपका मेटल्स होंगी इस मिक्सचर में। दोस्तों सोचने के है कि आखिर एलॉय बनता है, एलॉय के बनने का रीजन क्या है, क्या कॉज है एलॉय के बनने का। दोस्तों कंपेरेबल साइज ये आपके पास ऑफ मेटल एटम्स ये कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। एलॉय बनने की वजह यही है। कंसीडर करो दोस्तों, आप डेली लाइफ एग्जांपल थोड़ा सा ले लो। कंसीडर करो कि यहां पर 5 फुट 6 इंच का एक लड़का है। आपने देखा होगा कई बार इस तरह से भी कि जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, आर्मी पर्सनल्स जो हैं उनकी यूनिफॉर्म पहन करके, और टेररिस्ट की हाइट वगैरह भी अप्रोक्सीमेटली उसी तरह से होती है, उसी तरह से ड्रेसअप होकर के वो शामिल हो जाते हैं किसमें, आर्मी के पर्सनल्स में। ये जो स्पाई होते हैं वो भी इस तरीके से काम करते हैं, या और जो टेररिस्ट होते हैं सिविलियंस वगैरह में घुल मिल जाते हैं। तो क्यों घुल मिल जाते हैं, साइज जो है वो इनका कंपेरेबल होता है। अब मान लीजिए आपके पास हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो यूजली 5.5 और 6 फुट के होते हैं। अब मान लो उसमें कोई जो स्पाई है या फिर कोई टेररिस्ट है बहुत छोटा है, बहुत बड़ा आ जाएगा तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। दोस्तों मान लो ये सोल्जर्स हैं हमारे, और कुछ इसी टाइप का
कोई हमारे पास इसी टाइप का टेररिस्ट यहां पर आ जाए तो इसमें छुप जाएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। तो एलॉय फॉर्मेशन होता है हमेशा कंपेरेबल साइज की वजह से। आप जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं इनके साइज में बहुत बिग डिफरेंस नहीं होता है, और बिग डिफरेंस ना होने की वजह से ये अलॉय का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं, कंसीडर करो दोस्तों कि ये इस तरीके से एलॉय के सॉरी किसी मेटल के, यहां पर मेटल है, ये एम मेटल है, एम मेटल है, ये एम है, एम मेटल ले लिया, ये एटम्स है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हम एम डैश मेटल को ऐड कर, साथ में ये ध्यान रखना है कि साइज ऑफ एम एंड एम डैश इज कंपेरेबल, इनका साइज जो है वो कंपेरेबल है, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो आप पास है ये अप्रोक्सीमेटली इसी साइज का ये एम डैश है। तो होगा क्या, होता क्या है एग्जैक्टली कि जो कुछ एटम्स हैं एम के, वो जो एम के एटम्स ये जो एटम है वो एम का था और ये हो गया अब एम डैश का, किसका हो गया एम डैश का, ये एटम एम का था, एम का था, एम एम, अब ए एटम सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, एम डैश से, बाकी इस तरीके से एम और एम। तो आप कह सकते हैं इसमें क्या हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ एटम्स ऑफ एम बाय द एटम्स ऑफ एम डैश, इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हो गया है, सब्स्टिट्यूट हो गया है, यहां पर जो है जो एम का एटम है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इनका जो साइज है वो कंपेरेबल है, लेकिन प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे जो प्योर गोल्ड या 24 कैरेट गोल्ड होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, उसमें जब कॉपर मिक्स कर दिया जाता है तो थोड़ी हार्डनेस आ जाती है, तो प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है। दोस्तों इस तरीके से आपको पता चला कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्यों और किस तरीके से क्या एलॉय बनाते हैं, बहुत सारे एलॉय मेटल्स के हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर